हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज मैं आपको ट्विंस प्रेगनेंसी के 31 वीक्स के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो 31 वीक्स में जो आपके बेबी की लंबाई होती है वो लगभग 41 सेंटीमीटर यानी कि 16.2 इंचेस के आसपास हो जाती है। और अगर आपकी डाइकोरियोनिक ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपके बेबी का वजन 1 किलो 730 ग्राम के आसपास हो जाता है। और अगर आपकी मोनोकोरियोनिक ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आपके बेबी का वजन 1 किलो 642 ग्राम के आसपास हो जाता है। और आपके बेबी के जो आकार का एवरेज रहता है वो लगभग एक नारियल के आकार का हो जाता है। और आपके बेबी का हेड सर्कमफेरेंस यानी कि सर की परिधि लगभग 11.75 यानी कि 298 mm के आसपास हो जाती है। और आपके बेबी की जो पेट की परिधि यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस लगभग 10.5 यानी कि 267 mm के आसपास हो जाती है। और आपके बेबी की फीमर हड्डी की लंबाई जो कि कमर से घुटने तक की होती है वो लगभग 2.3 यानी कि 5.5 mm के आसपास हो जाती है। और आपके बच्चे की जो अधिकांश हड्डियां हैं वो सख्त हो रही हैं। और आपके बच्चे की सर की खोपड़ी नरम और लचीली रहेगी जो कि बजायदा के थ्रू नॉर्मल डिलीवरी होने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और डिलीवरी के बाद आपके बच्चे के सर पर आप देखेंगे कि गड्ढे जैसा होगा जिन्हें फोंटा नेल्स कहा जाता है। और ये जो होता है वो एक बच्चे का कुछ महीने बाद ही भर जाता है और दूसरे बच्चे का भरने में 18 महीने या फिर इससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। और आपके बेबी का जो माइंड है वो बहुत ही तेजी से मैच्योर हो रहा है। और आपके बेबी अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वो अब पूरी तरह से गर्मी के लिए एमनियोटिक फ्लूड पर डिपेंड नहीं रहेंगे। और आपके बेबी एमनियोटिक फ्लूड को निगल रहे हैं और वो हर दिन कई कप यूरिन वापस कर रहे हैं। और आपके बेबी अब सुन सकते हैं और टेस्ट भी ले सकते हैं जो भी चीज आप खाती हैं। और आपके बेबी अब अंधेरे और रोशनी को भी महसूस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या लक्षण रह सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी का ये 7वां या फिर 8वां महीना हो सकता है और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वीक्स को महीनों में किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। और आपकी बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स होना स्टार्ट हो सकते हैं। इसके अलावा आपको पेट पर, हाथों पर एंड ब्रेस्ट में खुजली भी महसूस हो सकती है जो कि आपकी स्किन खिंचने की वजह से एंड यूट्रस का साइज बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से महसूस होती है। और आपके ब्रेस्ट में भी काफी ज्यादा बदलाव आ सकते हैं और इस समय आपको मैटरनिटी ब्रा या फिर मैटरनिटी सपोर्ट वाली ब्रा भी ले सकती हैं। आपको ब्रा एक या फिर दो नंबर साइज बड़ी ही खरीदें और इस समय आपको बिल्कुल भी टाइट ब्रा नहीं पहननी है। और तीसरी तिमाही में आपके ब्रेस्ट से पीले कलर का गाढ़ा पदार्थ निकल सकता है जिसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है और ये हर महिला में नहीं निकलता है। और आपके ब्रेस्ट में मिल्क निकलने से कुछ दिन पहले ही कोलेस्ट्रम का उत्पादन शुरू हो जाता है और ये आपके बच्चे को पौष्टिक प्रोटीन एंड एंटीबॉडी प्रदान करता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। और आपको हाथ दर्द की भी समस्या हो सकती है जिसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहा जाता है और यह तब होता है जब आपके हाथों में टिश्यू सूज जाते हैं और आपकी नसों पर दबाव डालते हैं जिससे कि आपको बहुत ज्यादा दर्द रहता है और जिस वजह से आपको हाथों में झुनझुनी जैसी होना एंड सुन्नपन भी महसूस हो सकता है और ये डिलीवरी के बाद अपने आप ही सही हो जाता है। और आपको कभी कभी इस वीक से जब आपके बच्चे मूवमेंट करते हैं तो आप अनकंफर्टेबल भी महसूस कर सकती हैं और ये ट्विंस बेबी होने की वजह से होता है। और आपको बहुत ज्यादा थकावट रह सकती है एंड आपको नींद ना आने की भी समस्या हो सकती है और आपको लेटने में अपनी पोजीशन लेने में भी काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है एंड आपके प्राइवेट पार्ट में भी बहुत ज्यादा दर्द रह सकता है और आप बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ एंड दुखी महसूस कर सकती हैं। और आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है और आपको पेट बहुत ज्यादा तना हुआ एंड खिंचा हुआ भी महसूस हो सकता है। आपके बच्चे डायाफ्राम, लीवर,
एंड आंतों और यूरिन ब्लैडर पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हैं, जिस वजह से आपको बार बार यूरिन आना और आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, और आपको पीठ के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है, और आपको मांसपेशियों में बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो सकता है। और अगर आप इस वीक से रिलेशन रखना चाहती हैं, तो आप एक बात याद रखें, अगर आपको कंफर्टेबल हो रहा हो करने में एंड इसके अलावा पोजीशन लेने में, तभी आप करें, अदरवाइज आप बिल्कुल भी ट्राई ना करें। और इस वीक से आप अपना बीपी वगैरह भी रेगुलर चेक करवाती रहें, और आप हेल्दी डाइट फॉलो जरूर करें एंड अनहेल्दी चीजों को बिल्कुल भी ना लें, और आप जो है पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में एंड ज्यादा से ज्यादा पिएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।